मेरी गाड़ी के एक और नए एक्साइटिंग और रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज के सफर में बहुत कुछ है खास आपके लिए, लेकिन ये सब खास क्या है, सबसे पहले ये देखिए। बताएंगे आपको BMW 330i की खासियत, करेंगे सवारी मॉडिफाइड जीप की, बताएंगे आपको कैसे होती है ये जीप मॉडिफाइड, साथ ही होगी बात बीजिंग ऑटो एक्सपो की। चल मेरी गाड़ी का हर एक सफर रोमांचक होता है, हर एक एपिसोड खास होता है, लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो अलग माइलस्टोन सेट कर चुके हैं, क्योंकि उनमें ऐसी गाड़ियां हमारे साथ होती हैं जिनसे आपकी पहचान कराते हुए हमें बेहद खुशी होती है। कुछ ऐसी गाड़ियां जिनकी नाम ही उनकी पहचान है, जैसे BMW, सिर्फ नाम ही काफी है BMW के लिए आप कह सकते हैं। और BMW 330i से आज हम आपका परिचय कराएंगे, उसके छोटे से सफर में हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वो गाड़ी क्यों खास है और क्यों कहा जाता है कि वो गाड़ी ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है। ये रही 330i जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। इस गाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इस गाड़ी के ओवरऑल लुक से। फ्रंट लुक को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको स्टाइलिश नजर आएगा। खास बात इसलिए क्योंकि इसका जो बोनट है वो आम सिडान के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबा है। इसमें जो ये बीच में लाइन दी गई है और साइड में एक और लाइन, ये कुछ ज्यादा स्टाइलिश मुझे नजर आ रही है। इसमें पूरी तरह से कोशिश की गई है कि एग्रेसिव रखते हुए इस गाड़ी को स्टाइलिश बनाया जाए। एग्रेसिव इसलिए क्योंकि इस गाड़ी की ग्रिल अपने आप में देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मेटल ग्रिल, वर्टिकल शेप में भी इसको ढाला गया है जिससे ये गाड़ी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नजर आए। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलैम्प को देखिए, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं किया गया है, बहुत स्लीक डिज़ाइन इसको दी गई है, जैसे आप किसी की आँख कह सकते हैं। ये आई शेप की हेडलैम्प आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगी और इस गाड़ी के ओवरऑल लुक में इजाफा करती है, फ्रंट लुक की खूबसूरती में ये इजाफा करती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा मेरे साथ साइड में मूव करें और इस गाड़ी के साइड व्यू में नज़र दौड़ाएं तो आपको ये गाड़ी कुछ ज़्यादा फीलिंग नज़र आएगी। वजह है कि इसके साइड में भी एक लाइन दी गई है जो डोर पर आपको दूर तक पीछे तक जाती हुई नज़र आएगी, ये थोड़ी सी मुझे अपीलिंग नज़र आती है। शुरुआत से लेकर पीछे तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी। शायद यही वजह है BMW को पसंद करने वालों की, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। लेकिन गाड़ी की खूबसूरती एक कारण नहीं है कि लोग इसे पसंद करते हैं, जिन्होंने भी इसे पसंद किया है उसकी बड़ी वजह यह रही है कि इसकी परफॉर्मेंस और गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा दमदार है और ये परफॉर्मेंस निकल कर आती है इस गाड़ी के इंजन से। क्या वजह है कि इस गाड़ी ने इतना लंबा सफ़र तय किया और दूसरों के लिए, दूसरी गाड़ियों और कंपनियों के लिए एक मिसाल पेश की है, वो हम जानेंगे गाड़ी के इंजन की मजबूती से। अब हम बात करेंगे BMW की इंजन की, यानी इसके दिल की, कितना ताकतवर है इसका दिल, कितना मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि नाम ही पहचान है। फिर आपको BMW का जो लोगो नजर आएगा वो साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें जो कुछ है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक एकदम मुफीद है। फिलहाल अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 3000 cc का इसका इंजन है, 272 HP की मैक्सिमम पावर मिलती है इसे 6700 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पायनियर क्वालिटी का इंजन है 330i में, जो कि एक पहचान है BMW की। इंजन की कैपेसिटी सिर्फ आंकड़ों में जानने के बाद कि सफ़र के दौरान इसकी ताकत कैसी निकल कर आती है, और आप ये भी जानना चाहेंगे मेरे साथ छोटे से सफ़र में कि जो इंटीरियर्स हैं वो कितने अलग हैं, इस गाड़ी में बैठने का एहसास कैसा है, टॉप स्पीड कैसी है, इंटीरियर्स कैसा एहसास कराते हैं, तो इस सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं उस सीट पर मेरे साथ बैठकर चलने में। इस छोटे से सफ़र पर देखेंगे कि गाड़ी कितनी ज़्यादा अलग है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है टेस्ट ड्राइव के दौरान, क्या टॉप स्पीड है, ये जानने के लिए आपको सफ़र तक थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये इस गाड़ी की की है, यहाँ पर आप इसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक बटन ऊपर दिया गया है, इसी से इस बटन के ज़रिए गाड़ी स्टार्ट होती है और स्टॉप करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए भी इस बटन का इस्तेमाल आपको करना होगा। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे खास बात मुझे जो नज़र आ रही है, गाड़ी को जैसे ही आप स्टार्ट करके थोड़ी भी रफ्तार पकड़ेंगे आपको एहसास होगा कि गाड़ी का पिकअप बहुत जानदार है। अगर आंखों में इसको समझाऊं तो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन गाड़ी में जो बैलेंस आपको नजर आएगा टॉप स्पीड, यानी 250 के करीब जाकर भी जो टॉप स्पीड बताई जा रही है, लेकिन 140 तक मैंने इसे ड्राइव किया, उसमें भी गाड़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, पायनियर क्वालिटी है, वो आपको पूरी एहसास कराएगी कि गाड़ी किसी तरह का शेक आप महसूस नहीं करेंगे।
जो स्टेयरिंग पे कमांड होना चाहिए किसी का भी ड्राइवर का, वो आप पूरी तरह से महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसको पकड़ना, ये देखिए। और अब बात उन फीचर्स की जो इस गाड़ी में आपको नज़र आ रहे होंगे। अपने ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल करना हो और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप इस गाड़ी से ले सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आकर देखिए, एक बीप की साउंड और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये सीट बेल्ट को लेकर है। सेफ्टी को लेकर अगर आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये गाड़ी आपको तुरंत अलर्ट कराएगी। और अब मेरे लिए भी वक्त है कि मैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करूं। जो इस गाड़ी ने ऑर्डर दिया है उसका पालन ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपकी स्पीड को लेकर और RPM मीटर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पुराने ढर्रे की आपको नज़र आएगी। गोल सर्किल में इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अब आप जानना चाहेंगे कि और इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या चीज़ें हैं जो और गाड़ियों से इसमें अलग है, उसके लिए आपको इस MID को देखना होगा। और इसके बताने के लिए मुझे थोड़ा सा गाड़ी किनारे पार्क करनी होगी। इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन नजर आएंगी, जैसे CD मल्टीमीडिया, रेडियो, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट, BMW सर्विस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स। अगर आपको ये सब ऑपरेट करना है तो थोड़ा सा गियर लीवर के पीछे आइए और इस बटन को देखिए। इस मेन्यू को प्रेस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपको इस बटन के जरिए आप देखिए किस तरह से वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बदलती है, ये देखिए। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, रेडियो सुनना चाहते हैं, टेलीफोन का यूज़ करना चाहते हैं और टेलीफोन में जो कॉन्टैक्ट्स आप डालना चाहते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के कॉन्टैक्ट्स आप डालना चाहते हैं वो इसमें हो सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। ये रही FM यानी रेडियो की इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप मनोरंजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, ग्लास होल्डर फ्रंट की 2 सीट्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। AC बहुत ज़्यादा अच्छा AC है, आपके केबिन को बहुत ज़्यादा सूदिंग एहसास देता है। इसके अलावा जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आपको नज़र आएगा। गियर लीवर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग मुझे नज़र आया। ऑटोमेटिक गाड़ी है, पार्किंग के लिए P, रिवर्स के लिए R, न्यूट्रल के लिए N और अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो D मोड पर इसे रखिए जो इस समय है। अब हम ड्राइव करेंगे इस गाड़ी को और देखेंगे कि ड्राइव के दौरान इस गाड़ी में आपको कैसा महसूस होगा। गाड़ी की अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ, ज़्यादा स्पीड पे ले जाने पर शेक नहीं करती है। सेफ्टी को लेकर आपके फीचर्स दिए गए हैं, इंडिकेट करती है सीट बेल्ट को लेकर, एयरबैग्स दिए गए हैं, ABS CVT सिस्टम इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो MID के जरिए इन्फॉर्मेशन आपको दी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो हैं जो आप टॉप या आप मार्केट कह सकते हैं, जो ज़रूर होनी चाहिए इस तरह की गाड़ी में। जब इतना पैसा आप खर्च करेंगे तो ये सारी सहूलियत चाहेंगे। गाड़ी को ड्राइव करने के दौरान मैं कह सकता हूँ कि इसे 10 में से 9 मार्क्स में दे सकता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैं एक अच्छी गाड़ी में चाहता हूँ BMW 330i में है। निश्चित तौर पर कम से कम आप इसे एक बार ड्राइव ज़रूर करिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इस गाड़ी को खरीदिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है।